क्या दिल्ली दौरे पर विपक्षी नेताओं को साथ पाएंगी ममता? मिशन गठबंधन को लेकर क्या है ममता का सीक्रेट प्लान? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी एक बार फिर मिशन 2019 को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। 2019 में पीएम पद की रेस में एक मजबूत दावेदार मानी जा रही ममता की इस दिल्ली यात्रा का एजेंडा भले ही आधिकारिक बताया जा रहा हो, लेकिन इसका मकसद विपक्षी दलों को एकजुट करना है। मिली जानकारी के मुताबिक अपने दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी नेताओं संग मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के बागी नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। खबरों की माने तो ममता बीजेपी के बागी नेताओं में शत्रुघ्न सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के घर पर होगी। जेठमलानी आरजेडी से राज्यसभा सदस्य हैं और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन मुलाकात में अरुण शौरी को शामिल करना था, लेकिन शहर में नहीं होने की वजह से उनकी ममता से मुलाकात नहीं हो पाएगी। बताया जा रहा है कि ममता इन नेताओं से 2019 के आगामी चुनाव और देश मौजूदा सियासी हालात को लेकर चर्चा कर सकती हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी सांसद के सेंट्रल हॉल और अपने ऑफिस में अलग अलग दलों के नेताओं संग मुलाकात कर सकती हैं। साथ ही वो पूर्व जेडीयू नेता शरद यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं से भी मिल सकती हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी विपक्ष के उन 4-5 बड़े शहरों में से हैं जिन्हें पीएम पद के दावेदार की रेस में माना जा रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस ने संकेत दिए थे कि 2019 में पीएम मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस किसी भी विपक्षी नेता को पीएम उम्मीदवार मान सकती है। टीएमसी खुद ममता बनर्जी को पीएम पद के तौर पर प्रोजेक्ट करने में लगी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ममता विपक्षी दलों को साधने में कहां तक सफल होती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।